हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? और गाइस स्वागत है आप सब लोगों का सुनील गेमर की एक और न्यू वीडियो के अंदर। एंड गाइस जो आज की इस वाली वीडियो का टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फास्ट रैंक पोस्ट। देखो, अगर आप लोग जो है कॉन्करर वगैरह जाना चाहते हो और अगर आप लोगों को रैंक पोस्ट करना है तो ये वाला वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। एक तो होता है कि हाउ टू रैंक पोस्ट, मतलब कि आप लोग रैंक पोस्ट किस तरीके से कर सकते हो, और एक होता है हाउ टू फास्ट रैंक पोस्ट, मतलब कि आप लोग फास्टली रैंक पोस्ट कैसे कर सकते हो। एक बंदा है जो कि पूरे सीजन खेलता है, कॉन्करर आता है, वो कॉन्कर जाना कोई कॉन्कर नहीं हुआ, और एक बंदा होता है जो सिर्फ 5 दिन के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर कॉन्कर जाता है, तो वो होता है कॉन्कर जाना। तो आज की इस वाली वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना अगर आप लोग फास्टली रैंक पोस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको 5 ऐसी प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप लोग अपने गेम में यूज करोगे तो 101% गाइस आप लोग बहुत ही इजीली जो है कॉन्कर जा सकते हो, और उसको भी अच्छे केडी के साथ में और अच्छे प्लस के साथ में। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा इस वाली वीडियो में जिसके जरिए आपका प्लस भी जो है ज्यादा होगा। अब सबसे पहले गाइस आप लोग ये कुछ आईडीज देखो जो कि मेरे फ्रेंड्स की है। मैंने रैंक पोस्ट जो है कल से स्टार्ट किया, मतलब कल से मैंने खेलना स्टार्ट किया, इतने दिन में बिजी था लेकिन अब से मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया है, और अगले सीजन तुम्हारा भाई भी कॉन्कर दिख जाएगा तुम्हें। लेकिन सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स की कुछ आईडी देखो, ये देखो ये मेरा जो फ्रेंड है वो एस के अंदर है, और इसका केडी देखो तकरीबन 10 का केडी है, मतलब कितना अच्छा खेलता होगा तुम लोगों को पता है। ये मेरा दूसरा जो आईडी है, मतलब मेरे दूसरे फ्रेंड का आईडी है, और ये तुम लोग देख सकते हो तकरीबन इसका 5 का केडी है, और ये भी काफी अच्छी खासी जो है रैंक पे है। तो कुल मिला के मेरे फ्रेंड्स जो है ना वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हैं, वही इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलो गाइस लेट्स गो, आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे वीडियो काफी देर तक शुरू हो चुका है, तो अब देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई देखो रैंक पोस्ट अगर आप लोगों को करना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हैकर्स की। हैकर्स के पास नो रिकॉइल हैक होता है, ईएसपी हैक होता है, बहुत सारे टाइप के हैक होते हैं जिनके जरिए वो हम लोगों को कभी भी कॉन्कर जाने देते ही नहीं है, वो हमेशा जो है हमारे आगे आके हम लोगों को मार देते हैं। तो उनसे बचना भी है, हमें कॉन्कर भी करना है, और हमें रैंक के अंदर भी आना है, मतलब जैसे टॉप 500 टॉप 100 इस तरीके से। तो यहां पर मैं 5 आपको टिप्स बताने वाला हूं। तो सबसे पहली टिप यह है कि परमानेंट ड्रॉप लोकेशन। अब परमानेंट ड्रॉप लोकेशन का मतलब ये है गाइस कि देखो अगर आप लोगों को रैंक पोस्ट करना है, भले आप इस सीजन करो, वैसे इस सीजन तो खत्म होने वाला है, नेक्स्ट सीजन करो, कभी भी करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहली बात परमानेंट ड्रॉप लोकेशन का मतलब ये है कि आपको एक ही जगह उतरना है। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर दे कि 4 घर है, हम लोग तो कुछ भी हो जाए इन 4 घरों पर ही उतरेंगे, तो आपको वहीं पर उतरना है। ऐसा नहीं कि आपको हॉट ड्रॉप कर लिया कहीं दूसरी जगह उतर, क्योंकि देखो हॉट ड्रॉप करोगे 5 में से 4 मैच आप सर्वाइव कर जाओगे, 1 मैच में पहले मर गए तो 4 मैच में जितने प्लस हुए ना वो सब आपके माइनस हो जाएंगे, आप बराबर आ जाओगे, आप ऊब जाओगे, आप कहोगे यार कि रैंक पुश करूं कैसे यार, बंदे मार देते हैं, लेकिन आपका डिसीजन सही नहीं था, आपकी गलती है, बाकी रैंक की गलती नहीं है, ठीक है। तो हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है गाइस, आपकी ना ही स्किल्स की गलती होती है, ना ही किसी और चीज की गलती होती है, ना ही आपके डिवाइस की गलती होती है, ना ही पिंग की गलती होती है, गलती होती है आपकी, आपके डिसीजन जो है गलत होते हैं। तो आपको एक जो है ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां पर आपको परमानेंट उतरना है। आप लोगों को पता है कि पारस मेरा दोस्त है जो कि रैंक पोस्ट कर रहा है, वो एक ही लोकेशन पे तकरीबन पिछले 30 दिन से उतर रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसकी परमानेंट लोकेशन है। तो आपको भी एक परमानेंट लोकेशन बनानी है, इसी तरीके से आप लोग कॉन्कर जा पाओगे, वहां से लूट वगैरह करो, 3 लेवल के हेलमेट वेस्ट उठाओ, एंड बहुत इजीली आप लोग जो है मतलब किसी पे भी पोस्ट कर सकते हो। दूसरी टिप रसिंग। अब रसिंग आपको कब करना है? देखो रसिंग का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा अलग है, रसिंग जब भी आप लोगों को करना है तब आप लोगों के पास में लूट हो। अब जैसे कि आप लोगों ने एक सेलेक्ट लोकेशन डिसाइड कर ली कि प्लेन पाथ कहीं से हो, हम लोग गाड़ी उठा के जाएंगे कैसे भी जाएंगे, हमें बस उस घर पर जाके ही हम लोगों को लूट करनी है, वहां से आप लोग लूट करो, लूट करने के बाद में आप लोग जो है गाड़ी वगैरह उठाओ, गाड़ी वगैरह उठाने के बाद में आपको सबसे पहले जाना है ड्रॉप पे, ड्रॉप पे जाने के बाद में वहां से अच्छी खासी वेपन्स लेने, और पूरी टीम के पास में सही वेपन हो तो लास्ट में आप लोग फाइट लो। देखो गाइज आप लोगों को मतलब आप लोग कैंपिंग कर सकते हो लेकिन उसको हम कैंपिंग नहीं बोलेंगे, आप लोग अच्छी खासी लूट करो, आप कैंप करो, लास्ट में फाइट लो, चिकन निकालो, बहुत ईजी प्लस कराओ, इस तरीके से जो है आपका प्लस होगा। तो इस चीज को आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा जो टिप है वो है रैंकिंग पॉइंट्स। अब रैंकिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। अब रैंकिंग पॉइंट्स किस तरीके से, देखो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि एक बंदा है जो कि मतलब खेल रहा है, ठीक है, एक बंदा खेल रहा है, उसने चिकन लिया, उसका 20 पॉइंट प्लस हुआ, ठीक है, एक ही रैंक पे है दोनों बंदे। दूसरा बंदा है वो भी खेला, उसने चिकन लिया, उसके 40 प्लस पॉइंट हुए। अब ये पॉइंट जो होते हैं ना उसी से हम लोगों की रैंक बढ़ती है। अब आपके ज्यादा पॉइंट प्लस कैसे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा पॉइंट्स प्लस करने के लिए टिप नंबर 1, सबसे पहली बात जोन का आपको डैमेज लेना है। ऐसा नहीं कि जोन का आप डैमेज नहीं लो, आपको जोन का काफी अच्छा खासा डैमेज लेना है, नॉकआउट नहीं होना लेकिन डैमेज आपको काफी अच्छा खासा लेना है। सेकंड टिप, आपको हीलिंग करनी है, ठीक है, आपको हमेशा हीलिंग वगैरह करनी है, मतलब थोड़ी बहुत हेल्थ जाए आप हीलिंग करो, थोड़ी बहुत भी हेल्थ जाए आपको हीलिंग करनी है। तीसरा पॉइंट, आपको कम से कम हर गेम में 4 से 5 किल करने हैं, ठीक है, 4 किल तो आपको परमानेंट करने ही करने हैं, 4 या 5 किल करोगे, किल जितने ज्यादा होना उतने करने हैं, और किल ही नहीं करने आपको डैमेज ज्यादा लेना है। जैसे कि फ्रेंड ने नॉकआउट किया किसी बंदे को, उसको फिनिश करो, उसका डैमेज आपके अकाउंट के अंदर मतलब आपकी आईडी में जो है काउंट होगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ छोटे छोटे टिप्स है जिनका फॉलो करोगे तो बहुत ही इजीली आप लोग जो है रैंकिंग पॉइंट्स अपने काफी अच्छे खासे बढ़ा सकते हो। उसके बाद में 4th नंबर का जो पॉइंट है वो है परफेक्ट मैप।
आपको कौन सा मैप में पुश करना है। अब काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता, कभी विकेंडी खेल लिए, कभी मीरामार खेल लिए, कभी सैनॉक खेल लिए, कभी कोई भी मैप खेल लेते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, आपको परफेक्ट मैप डिसाइड करना है। और परफेक्ट मैप है एरेंगल। एरेंगल में हैकर्स आते हैं, इतने भी नहीं आते हैं। दूसरे मैप का आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आप कहीं भी छुपे जाओगे, कुछ भी करोगे ना, आपको जोन का आइडिया है। तो हमेशा आपको जिसमें आप लोग परफेक्ट हो, अगर आप एरेंगल में परफेक्ट हो तब को एरेंगल में ही खेलना है। मैं एरेंगल को काफी अच्छी तरीके से जानता हूं, तो मैं एरेंगल का सजेशन ही आप लोगों को दूंगा, बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है सर्वाइवल। सर्वाइवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही आपको कॉन्कर तक पहुंचाने में मदद करेगा। और सर्वाइवल कहाँ पे काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सर्वाइवल अगर आप लोगों को करना है तो सबसे पहली बात आपको लूट, मतलब सारे पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अच्छी लोकेशन पे उतरना पड़ेगा ताकि आप लोग बहुत इजीली सर्वाइव हो जाओ, ठीक है। वहां से लूट करनी पड़ेगी, फिर ड्रॉप्स लूटने पड़ेंगे। ड्रॉप्स लूटने के बाद में आपको पूरे गेम में कैंप करना है और थर्ड पार्टी करने की हमेशा जो है कोशिश करनी है। आपको किसी भी टीम से पंगा नहीं लेना, कोई बंदा आपके आगे से गाड़ी लेके जा रहे हैं उनको जाने दो, क्योंकि देखो कॉन्कर लॉबी में अगर आप लोग खेलोगे ना तो सामने बंदे अच्छे ही आएंगे। ऐसा नहीं कि सामने भी नूब आए, सामने भी अच्छे ही बंदे आएंगे। तो आपको हमेशा अच्छे बंदों से जो है फाइट लेनी नहीं है। मतलब आप लोगों के सामने से गाड़ी जा रही है उसको जाने दो, आप लोग एक घर के अंदर कैंप करो, दो बंदे ऊपर दो बंदे नीचे, अपार्टमेंट कर रहे हो तो दो बंदे ऊपर या फिर चार बंदे ऊपर और कैंप करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब जो है मतलब कि भाई साहब लास्ट जोन आ गया, अब आप लोगों को फाइट लेनी है, तब आप फाइट लो, आपके पास में अच्छे वेपन्स होंगे, बहुत इजीली आप लोग कोई भी टीम को खत्म कर सकते हो। तो ये सर्वाइवल करना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस करना है, किल ऑटोमेटिक मिल जाता है। लास्ट जोन में भाई 20 से 40 बंदे रहते हैं कॉन्कर लॉबी के अंदर। तो यही थे गाइस कुछ टिप्स जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हो अपने गेम में तो 100% आपका गेम काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। एंड उसके साथ साथ में आपका गेम इंप्रूव होने के साथ साथ में जो है आपको बहुत इजीली आप लोग जो है कॉन्कर भी पुश कर लोगे बहुत ही इजीली। सो ये गाइस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड